आई थिंक आप देख ही सकते हैं हम लोग भूखों की तरह 7:20 पर रोजे हमारे तो होते नहीं है, इन लोगों के होते हैं और इनकी आड़ में हम भी टूट पड़ते हैं। एंड लकीली ये है कि हम भी कुछ हेल्दी खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स खा लेते हैं। दूसरा सेक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं, वैसे भी वो खत्म हो चुका है हार्डली किसी प्लेट में। इस प्लेट में आप बताइए, रोजे आपके होते हैं और बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। इतनी सारी चीजें मैडम अरेंज करती हैं हम लोगों के लिए, सब कुछ हमारे आने से मतलब रोजे के टाइम से पहले अरेंज हो जाता है सब कुछ, और फिर हम लोग सिर्फ आके खाते हैं। ट्रू, वन वर्ड, ट्रू, कुछ भी चाहिए हो आके बस बोलो, आपके आगे हाथ। अरे बस सब कुछ ही वो अरेंज करती है, हम मैं बोल रही हूँ ना, हम लोग कुछ नहीं करते, आते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। ये सब कुछ अरेंज करती है, शरबत, फ्रूट्स, किसी का अगर मिठाई खाने का दिल है, क्योंकि रोजे में अक्सर ऐसा होता है कि सारा दिन आपके ना आंखों के आगे इमेजिनेशन आते हैं, खाना आता है लिटरली लड्डू, सडनली कोई बोलता है आज लड्डू मंगाए, आज भेल मंगाए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये पूरी तैयारी करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है। एंड आई थिंक हम लोग फर्स्ट ईयर जब से ये शो स्टार्ट हुआ, अभी ये तीसरे रमज़ान चल रहे हैं, थर्ड टाइम इट्स कम इन आर शो, तो हम तब से हर साल ये करते आए हैं एंड बहुत मज़ा आता है बिकॉज, और फिर सडनली जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं ना, तो एक वो खालीपन लगता है कि अगले साल कब वापस आएगा, तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता है ये पूरी तैयारी करना। रमज़ान के एक हफ्ते बाद तक हम लोग ये सब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं फिर अहमियत नहीं रहेगी। रहेगी, सारा दिन भूखी रहूँगी मैं। ये फलक रोज़ा रखती है, फिर मेरी एक हेड ड्रेसर दीदी हैं शाहीन दीदी, वो रोज़ा रखती हैं, एक स्पॉट दादा हैं वो कभी कभी रोज़ा रखते हैं, एंड एक्सक्यूज मी ऑन एंड ऑफ काफ़ी लोग हैं जो आते रहते हैं, कभी कोई टेक्नीशियंस हो गए, कभी कोई जूनियर्स हो गए, तो लेकिन ये एक परमानेंट है हमारी, तो इनकी आड़ में हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं। मैं इनफैक्ट मैं आज ही बोल रही थी कि आज हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, बिकॉज आज काफ़ी सारे लोग थे, जूनियर्स भी थे, तो आज हमने बहुत सारी तैयारी की, तो मैं आज बोल ही रही थी कि आज मैं शोएब की बहुत याद आ रही है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ही इज़ बीन अ वेरी बिग फूडी, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कमी पूरी करने ये आ गई है, ये भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल बराबर की टक्कर देने आई है। मैं भी सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ खाती है और कुछ चीज़ें हटा के साइड में रखवाती है शुरू होने से पहले, जैसे ही सामान आता है ना, ये रख दो मेरे लिए। ये बहुत चूजी, कुछ नहीं छुपाती, ये तो सेब खाती है उठा के, सिर्फ इतनी सारी तैयारी में सिर्फ सेब और कुछ नहीं खाती। वाटरमेलन नहीं खाती हूँ, एहसान वाटरमेलन पे। ये इतनी चूजी है, इसको अभी मैंने इससे जस्ट यही पूछा था कि क्यों नहीं खा रही है, नहीं मैं बहुत चूजी हूँ, मैं ये भी अगर मैं खाती हूँ, ये प्याज की भजिया, तो मैं एक खाती हूँ। भूल गई इसे, माफ कर दीजिएगा। नहीं मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपके वर्ड्स याद कर रही हूँ। प्याज की भजिया मैं एक खाती हूँ, उसमें भी मेरी चॉइस होती है, अदरवाइज ना मैं सिर्फ ये एप्पल लेती हूँ, पाइनएप्पल मैं नहीं खाती हूँ, केला मैं नहीं खाती हूँ, और वाटरमेलन, हाँ मस्क मेलन आज बहुत अच्छा है, अच्छा है तो मैंने आज खाया नहीं। हाँ हाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ, जहाँ ये खड़ी होती है वहाँ खाना खत्म हो जाता है।
किस्म की है देखा ये सारे फ्रूट्स मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने उनसे भजिया भी ले ली थी अपनी प्लेट में कि नहीं, नहीं, हमने कैमरास बंद करवा दिए थे ताकि आपकी पोल ना खुले गुड थैंक यू पहले बोलना चाहिए था ना मैं बोलती नहीं है मतलब अब और खाना और क्या थैंक यू सो मच